महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 4 अंबा की प्रतिज्ञा। संदर्भ: महाभारत युद्ध के समय भीष्म अजेय थे। वे सभी को रोकने में समर्थ भी थे, किंतु शिखंडी के सामने आने पर उन्होंने कहा कि वे उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन ने उनसे इसका कारण पूछा। तब भीष्म ने राजकुमारी अंबा की कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। अंबा की प्रतिज्ञा। महाभारत के युग में काशी राज्य बहुत प्रसिद्ध था। वह राज्य सुखी और संपन्न था। काशी नरेश की 3 बेटियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। सुंदरता और गुण में तीनों ही एक से बढ़कर एक थीं। काशी नरेश को उनके विवाह की चिंता थी। उस समय राजवंशों में स्वयंवर की प्रथा थी। सभी राजा इसमें भाग लेते थे और राजकुमारी किसी एक को माला पहनाकर उससे विवाह करती थी। काशी नरेश ने भी अपनी 3 बेटियों के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर वाले दिन देश विदेश के राजा सज धज कर भाग लेने आए। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म भी वहां आए। उस समय तक भीष्म बूढ़े हो चले थे। दरअसल वे अपने सौतेले भाई विचित्र वीर के लिए पत्नी की तलाश करने आए थे, पर लोगों ने समझा कि वे अपने विवाह के लिए स्वयंवर में आए थे और उनका मजाक उड़ाने लगे। राजाओं के इस प्रकार के व्यवहार से भीष्म को क्रोध आ गया और उन्होंने 3 राजकुमारियों का हरण कर लिया। स्वयंवर में आए उन सभी राजाओं ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। उस समय राजपूतों में हरण कर विवाह की प्रथा थी। जब हस्तिनापुर में इन 3 राजकुमारियों के विवाह की तैयारियां हो रही थीं, तो राजकुमारी अंबा ने भीष्म से विनती कर कहा कि वह राजा शल्य से प्यार करती थी, अतः वह विचित्र वीर्य से विवाह नहीं कर सकती थी। तब भीष्म ने उसे राजा शल्य के पास जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी अंबा राजा शल्य के पास चली गई। उधर राजा शल्य को उसके हरण का समाचार मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने उसका हरण किया है वह उसी से विवाह करे। अंबा ने राजा को सब कुछ बताया, बहुत मनाया, लेकिन राजा शल्य का दिल नहीं पसीजा। अंबा अत्यंत दुखी हुई। वह घर बार छोड़कर तपस्वी लोगों के आश्रम में रहने लगी। एक दिन की बात है, होत्रवाहन नामक एक तपस्वी उस आश्रम में पधारे। वे रिश्ते में अंबा के नाना लगते थे। अंबा के बारे में जानकर उन्होंने उसे परशुराम जी के पास जाकर मदद लेने को कहा। सौभाग्य से दूसरे ही दिन परशुराम जी भी उसी आश्रम में पधारे। होत्रवाहन ने परशुराम जी को सारा मामला कह सुनाया। परशुराम जी ने अंबा का हाल सुना और बोले, भीष्म मेरा शिष्य है, वह मेरी बात नहीं टालेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं भीष्म से बात करता हूं। अंबा तैयार हो गई। तब परशुराम जी अंबा को साथ लेकर कुरुक्षेत्र आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भीष्म को संदेश भेजा तो वे तत्काल ही उनसे मिलने गए। परशुराम जी ने भीष्म से कहा, जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो कन्या हरण क्यों किया और उसे क्यों छोड़ दिया? इसे राजा शल्य ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुमने इसे छुआ। अब तुम ही इसे स्वीकार करो। भीष्म सारी बात जानकर दुखी हुए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से डिगने के लिए तैयार न हुए। उन्होंने कहा, मेरी प्रतिज्ञा तो अटल है और अब मैं इसका विवाह अपने भाई से भी नहीं करवा सकता।
क्योंकि इसी ने कहा था कि यह राजा शल्य की हो चुकी है, किसी दूसरे पुरुष को चाहने वाली को स्वीकारना उचित नहीं है। लेकिन अब इसका क्या होगा? परशुराम जी ने कहा, तुम्हारी गलती के कारण ही इसकी यह दशा हुई है, अतः तुम ही इसे अपनाओ। लेकिन भीष्म न माने। परशुराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन दोनों गुरु शिष्यों के बीच कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। देवतागण इस महायुद्ध से घबराने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर किसी प्रकार से परशुराम जी को युद्ध विराम हेतु मना लिया। तब भीष्म ने भी गुरु परशुराम को प्रणाम कर अपने शस्त्र वापस रख लिए। अंबा के लिए यह एक कठिन सत्य था। उसे किसी भी प्रकार पति का मिलना संभव न था। उसने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म का वध करेगी, क्योंकि वही उसकी इस दशा का कारण थे। इस प्रतिज्ञा के बाद उसने कठिन से कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के समझाने पर भी उसने तप न छोड़ा। तप के प्रभाव से उसने वत्स के राजा के घर में एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उसने अपना हठ न छोड़ा। अंत में उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया, तो उसने भीष्म को मारने का वर मांगा। शंकर जी ने यह आशीर्वाद दे दिया तो वह बोली, लेकिन मैं तो एक स्त्री हूं, मुझ में इतना बल नहीं कि युद्ध कर सकूं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भीष्म को युद्ध में मार सकूं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम ही उसके मरने का कारण बनोगी। तुम कन्या होकर भी पुरुष बनकर मेरे कथन को सत्य करोगी। यह सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन दिनों राजा द्रुपद पुत्र के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके मन की बात जानकर उन्होंने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो पहले स्त्री होगा। कुछ समय बाद महाराज द्रुपद के यहां अंबा एक कन्या बनकर पैदा हुई। राजा द्रुपद ने प्रजा को कहलवा भेजा कि उनके पुत्र हुआ है। उसका नाम रखा गया शिखंडी। जब वह बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। लेकिन विवाह किससे करें, राजकुमारी से या किसी राजकुमार से? यह चिंता उन्हें परेशान किया करती थी। पर उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव की बात झूठी नहीं हो सकती। अतः बहुत सोच विचार कर उन्होंने दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। लेकिन कुछ ही समय के बाद लोगों को पता चल गया कि शिखंडी लड़का नहीं लड़की है। हिरण्यवर्मा ने यह समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने द्रुपद से युद्ध की घोषणा कर दी। शिखंडी को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि उसके कारण ही उसके माता पिता पर यह विपत्ति आई थी। अतः उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को मार डालेगी, तभी इस दुख से छुटकारा मिलेगा। यह विचार कर वह एक निर्जन वन में चली गई। वहां उसने खाना पीना छोड़ दिया और तप करने लगी। स्थित परणा नामक एक यक्ष उस वन की रक्षा करता था। उसने शिखंडी को इस प्रकार अपने प्राण देते देखा तो उससे इसका कारण पूछा। शिखंडी ने उसे सब कुछ बता दिया। यक्ष ने कुछ सोचकर उसकी सहायता करने के उद्देश्य से उससे कहा, एक उपाय है, मैं तुम्हें अपने पुरुष का शरीर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि काम हो जाने के बाद तुम मेरे पुरुष का शरीर मुझे वापस कर दोगी। शिखंडी तैयार हो गई। यक्ष ने
अपने पुरुष का शरीर उसे दे दिया और उसके स्त्री का शरीर ले लिया। इस प्रकार दोनों ने अपना शरीर आपस में बदल लिया। शिखंडी ने प्रसन्न होकर सारा समाचार अपने पिता को बताया। द्रुपद को भगवान शिव की बात याद आ गई, वे बड़े प्रसन्न हो गए। इस बीच हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी को देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया। वे गाजे बाजे के साथ द्रुपद के नगर में आए। उन्होंने शिखंडी को कई कीमती उपहार भेंट में दिए और समधि के आग्रह पर कुछ दिन वहीं रुक गए। इस बीच किसी दिन यक्षों के राजा कुबेर वन में जा पहुंचे। उनके आने पर भी स्थितपर्णा बाहर न आया तो वे क्रोधित हो गए। तब अनुचरों ने उन्हें बताया कि यक्ष ने अपना शरीर शिखंडी नाम की एक राजकुमारी को दे दिया है। वे स्त्री के रूप में होने के कारण शर्म से उनके सामने नहीं आ रहे हैं। यह सुनकर कुबेर अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने स्थितपर्णा को शाप दे दिया कि वह अब स्त्री के रूप में ही रहेगा। स्थितपर्णा ने जब यह सुना तो उसने कुबेर से क्षमा मांगी। कुबेर ने कहा कि तुम्हें यह दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तब तुम्हें पुनः अपना शरीर वापस मिल जाएगा। इधर हिरण्यवर्मा के अपने नगर वापस जाते ही शिखंडी स्थितपर्णा के पास पहुंचा। तब उसने कुबेर के शाप वाली पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शिखंडी प्रसन्न होता हुआ अपने नगर वापस आ गया। वह अपनी प्रतिज्ञा को याद कर भीष्म को मारने की प्रतीक्षा करने लगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म ने कौरव सेना की कमान संभाली। उन्होंने पांडवों की सेना को बुरी तरह से पराजित करना शुरू किया। तब पांडवों को यह बात पता चली कि भीष्म शिखंडी को सामने देखकर युद्ध नहीं करते। दरअसल भीष्म को पता था कि शिखंडी स्त्री थी। वे किसी स्त्री पर कभी वार नहीं करते थे। इसका लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से बींध दिया। इस प्रकार राजकुमारी अंबा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और भीष्म के वध का कारण बनी।